जीविका द्वारा आयोजित जॉब कैंप में 48 अभ्यर्थियों को किया गया चयन। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रसलपुर पंचायत स्थित भगवानपुर दूध उत्पादक समिति के प्रांगण में तिलक जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से 18 से 30 वर्ष के आयु के 48 अभ्यर्थियों को चयन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रवि कुमार ने बताया कि इस कैंप में चयनित युवतियों को 2 माह का ट्रेनिंग देकर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर हो और इसलिए कैंप लगाकर चयनित युवा युवतियों को ट्रेनिंग संस्था द्वारा दिलवाकर रोजगार उपलब्ध कराना है। मौके पर जीएस अरविंद मिल्स के प्रतिनिधि जीविका के बीपीएम रवि प्रकाश, क्षेत्र समन्वयक प्रशांत कुमार, सामुदायिक समन्वयक नवीन कुमार एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। आज जो है कौशल विकास योजना के तहत जो है यहाँ पे जॉब कैंप लगा हुआ है, जिसमें जो है महिलाएँ और लड़के जो भी बच्चियाँ हैं वो जो रोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए कंपनियाँ जो है अरविंद लिमिटेड कंपनी इस तरह BSTA प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है। ये ट्रेनिंग दिया जाता है पटना में, 2 महीने का कोर्स है और ट्रेनिंग के बाद फिर जॉब है अरविंद लिमिटेड कंपनी। कितने लोग आज भाग लिए? इसमें करीब 50 लोग आए हुए हैं और इसमें से जितना चयन हुए जो तो इच्छुक होंगे वो जा सकते हैं। चयन होने के बाद क्या प्रक्रिया है? उनका ट्रेनिंग का प्रक्रिया है, पहले प्रशिक्षण के बाद आवासीय प्रशिक्षण है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम रवि रंजन है, मैं लिमिटेड कंपनी से हूँ। इस कंपनी से अरविंद लिमिटेड इस पद पर